जनता सब तय करेगी। आप लोग देखिएगा 4 जून का इंतजार करिए, इस बार का रिजल्ट ऐतिहासिक अभूतपूर्व होगा। नमस्कार, मैं पृथ्वी साहब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए पटना साहिब के प्रत्याशी एनडीए के रविशंकर प्रसाद आज दिल्ली से पटना पहुंचे हैं, जहां पे उनसे जब पूछा गया कि आपको फिर से एक बार पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है और अब की बार पटना साहिब से फिर से दोबारा आपको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने आपको उम्मीदवार बताया, तो क्या कुछ कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद। लेकिन आपको बता दें, उससे पहले जो जनता और जो रविशंकर प्रसाद के कार्यकर्ता हैं वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पे काफ़ी उनका हुजूम देखने को मिला। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से रविशंकर प्रसाद के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम पटना एयरपोर्ट पे रविशंकर प्रसाद के स्वागत के लिए पहुंचे थे। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद और कैसे 400 पार के जो नारे दिए गए हैं उसको भेदने में के लिए क्या कुछ फॉर्मूला है बीजेपी के पास, पहले आप उनके बयानों से सुनो। फिर से जिम्मेवारी दी है सर, क्या करिएगा? मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े जी और अपने प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश की टीम का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। पटना की जनता, आप सबों की शुभकामनाएं, पुनः पटना की सेवा ईमानदारी से करूं, इसलिए निश्चित 400 पार होगा। इस बार का रिजल्ट ऐतिहासिक अभूतपूर्व होगा, बिहार में भी 40 से 40। कौन विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, जनता सब तय करेगी। आप रिजल्ट देखिएगा, 4 जून का इंतजार करिए। अब वो जो भी सीट शेयर करें, जीतेगा एनडीए, जोरदार जबरदस्त इंतजार करिए। धन्यवाद। तो आपने सुना साफ तौर पे पटना साहिब के लोकसभा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से महागठबंधन में आरजेडी को कांग्रेस से ज़्यादा सीट मिली है और ऐसे में कांग्रेस काफ़ी नाराज दिख रही थी, लेकिन को लेकर कहा रविशंकर प्रसाद ने हमें 40 से 40 सीटों पे जीत हासिल करनी है, हमें दूसरों से मतलब नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भी धन्यवाद दिया है कि एक बार फिर से हम पे विश्वास जताया है भाजपा परिवार ने। साथ ही कॉन्फिडेंस में काफ़ी दिख रहे हैं रविशंकर प्रसाद। इस बार 400 की पार नारे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना को हम लोग साकार करेंगे। ऐसे ही तमाम खबर के साथ बने रहे, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।